जय सियाराम। हरिओम। लोकसभा का चुनाव जो 2024 में हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे लगा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में वापस आ जाएगी तो क्या योगी बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे? ये सवाल है। अभी तो चुनाव का समय है, तो जाहिर है कि ये जो हैं योगी बाबा वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं जो खलीफाए हिंद जो हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर भाई मोदी जी उनको शूट नहीं करता होगा। लेकिन जो शख्सियत बन गई है, जो पर्सनैलिटी, जो कद ऊंचा हो गया है हिंदू हिंदुत्व के नाम पे योगी जी का, वो खतरा तो है। क्योंकि अभी उन्होंने क्या किया है, योगी बाबा ने इनकाउंटर कर दिया है 6 साल और उसका बड़ा भाई 11-12 साल का था, उसको हलाल कर दिया, मतलब चाकू से। आप खबर देख रहे होंगे, वो चैनल वाले अंदर घुसे पड़े हैं और पूरा हृदय विदारक चीज़ है। यहाँ कोई मोटिव नहीं है, यहाँ कुछ है नहीं, उसी सी बात है, वो जन्नती हैं और रमज़ान का महीना है। लेकिन कोई भी मुसलमान, कोई भी मौलवी आपको उधर नहीं ले जाएगा। वो सब यही कहता है कि उसमें दो भाई थे, जावेद और साजिद, तो एक का इनकाउंटर हो गया है और दूसरा भागा हुआ है। तो उन लोगों को ये है कि भैया दूसरा जो भागा हुआ है उसको तो पकड़ लो, है ना, पता तो चले उसने मारा क्यों, है ना। तो ये समस्या है, इनकाउंटर हो गया है। तो अब उसको भी कह रहे हैं कि जो मतलब जो विपक्षी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसको हिंदू की पार्टी मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के, जबकि ऐसा तो है नहीं। देखिए मैं बताता हूँ कि अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि ओ बाबा ने हलाल सर्टिफिकेट बंद कर दिया। हलाल सर्टिफिकेट जिस पे होगा वही उत्तर प्रदेश बिकेगा ही नहीं। ओ भैया हंगामा हो गया। अब मुसलमानों ने कहना शुरू किया कि हलाल तो उनका राइट है, दिस है, दैट है। ओ हंगामा हुआ और इन्होंने निर्णय ले लिया, तो ले लिया। एक मामूली सी एफ आई आर हुई थी, उस पर निर्णय ले लिया था योगी बाबा ने। लेकिन वो पीछे से वो खलीफा हिंद जी का ताबीज़ मिला उनको, फूक मिली होगी, फिर उन्होंने कुछ दिन के बाद कह दिया कि नहीं नहीं हलाल सर्टिफिकेट तो जारी रहेगा, लेकिन वो कोई दूसरी संस्था क्यों देगी, वो सरकार देगी। अब हमें आप जो है आवेदन दो हलाल सर्टिफिकेट के लिए, फूस। दूसरा था कि जब जैसे ही आए थे योगी बाबा तो गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध लगे, तो गौ कृषि केंद्र जो थे, काउ स्लाप्टर हाउस है जिसको का बंद करो। ओ हंगामा पिट आ गया पूरा देश में, नैरेटिव टीवी मीडिया ये वो लमाका ढमाका। भैया तुरंत मुख्यमंत्री बने ही थे, पीछे से उनका जो तमत है उसको खींचा होगा मोदी जी ने, है ना। वो बिना सिले हुए कपड़े जो पहनते हैं वो कहता कि जरा ठीक से रहा भाई। तो फिर बुलाने ने जो अवैध हैं बूचर खाने काउसल आफ्टर वो बंद होंगे, चलो वो भी मिट्टी पलीद हो गई। और जो मोदी जी के जो योजनाएं हैं पसमंदाओं के लिए, सूफी मुसलमानों के लिए, या मुसलमान एट लार्ज के लिए, जो उन्होंने खुल के जो उनका कहना है कि भैया मुसलमानों को सोचना चाहिए कि पिछली सरकारों ने उनके लिए किया क्या और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। तो ये इतना बड़ा अपराध इस क्या कहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने हिंदुओं के अधिकारों की संसाधनों को काट करके मुसलमानों को देने का किया है, कुछ अक्षम्य है। लेकिन मोदी जी को करना पड़ा ना, इसीलिए करना पड़ा कि कानून बनाया भैया, वो जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना में उनको ज़्यादा रोजगार दो, प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है 40% घर दे दिए मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में। बताइए 18% अगर उनकी आबादी है तो 40% जो दिए, ये जो 22% ज़्यादा दिए उसको, वो हिंदुओं के, बौद्धों के, जैनों के, सिखों के, जो गरीब लोग हैं उसी का अधिकार मार कर दिया ना। तो संसाधनों पर भी ठोक दिया ना मोदी जी ने, और योगी जी को करना पड़ा।
करना पड़ा या कर रहे होंगे या माइंड सेट उनका बन गया होगा। अरे कोई तो ऐसी चीज़ हो जहाँ वो हिंदू दिखे, तो चलो कानून व्यवस्था में ही दिख रहे हैं। अब क्या है कि ये हाँ मोदी जी का एक भी था ना कि अब हम सूफी मुसलमानों को चुनाव के लिए जाएंगे, उन तक जाएंगे, तो मस्जिद मस्जिद दरगाह दरगाह में अब वहाँ सूफी कवाली भजन का भी प्लान बनाया उन्होंने और चल रहा है वो सब, वो मुस्लिमों की अपीजमेंट करें। इस बीच में हंगामा होता रहता है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश है वहाँ भी हो जाए तो बाबा किस लिए हैं, तो इसने वो था ना एक नूपुर शर्मा जी का सपोर्ट में कन्हैया लाला आया था, वो टेलर था, लेकिन वो आ गए उसको भारतीय जनता पार्टी के कुछ सदस्य उदस्य थे बाद में जो आए उन्होंने गला काट दिया, तो फिर बाद में चुनाव जो हुआ राजस्थान में तो उसको भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया था, भैया तुम्हारे राज में तो गला कटता है पूरा चुनाव में हल्ला। अब क्या है कि उत्तर प्रदेश में घर में घुस के 6 साल 11 साल के बच्चे का इस्लामी तरीके से तालिबानी तरीके से हत्या हुई, अब कोई मोटिव नहीं दिखा है ना। बाबा की पुलिस ने एक को आधे घंटे के अंदर या घंटे के अंदर इनकाउंटर कर दिया, दूसरा भागा हुआ है जिसको कि पकड़ने की मुहिम जारी है। तो ये सब चीज़ें जो कर रहे हैं, तो मोदी जी का क्या है, पूरा लैंड स्लाइड विक्ट्री होने के बाद भी मामा को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनाया। शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहा हूँ है ना, मध्य प्रदेश तो है ना तो प्रधानमंत्री के बराबर कद में आ जाते, लगातार तीसरी बार भी बनते मुख्यमंत्री, वहाँ तो हटा दिया। और जो उनका जो जिनकी जीप से ज़्यादा दूर तक तो वो चाट लेते हैं जैसे धामी है, तो वो मुख्यमंत्री हारने के बाद भी उनको बनाया वो मोदी जी ने, फिर दोबारा चुनाव लड़के वो जीता। तो ये खेल तो चल रहा है। और महाराष्ट्र में भी फडणवीस को उपमुख्यमंत्री बोला, तो उप मुख्यमंत्री बन, और अभी चार्ट तेरा बहुत टाइम है, अभी वो बनेगा, शिवसेना को तोड़ के आया हुआ है एकनाथ शिंदे, ठीक है। तो ये खतरा तो है। देखिए अब वो इंडिया स्पीक्स डेली वाले हैं संदीप जी, उनका एक ट्विटर पे जो आर्टिकल है, छोटा सा तो ट्विटर में तो बहुत लंबा लोग लिख नहीं पाते हैं, वो मैं ज़रा पढ़ूँ। उन्होंने लिखा क्या है कि संकट के समय आर्थिक मदद करने वाला हिंदू परिवार यह क्यों भूल गया कि वह उस मलक्ष के लिए हमेशा काफिर ही रहेगा, जो मुसलमान नहीं है मुसलमानों के लिए काफिर है, जो काफिर है वाजिब कत्ल है, उनकी स्त्रियां माले गनीमत हैं। जी हां, खुल के लोग बोलते हैं, टीवी पे आके बोलते हैं, कई तरीके से बोलते हैं, और चूंकि भारत है यहां संविधान है यहां कानून है, तो यहां दूसरे तरीके से तीसरे तरीके से घुमा करके उसको आपको गोल गोल जलेबी बना देते हैं। आगे लिखा है संदीप जी ने कि दिल्ली के रिंकू ने अपना खून दिया था मलच के परिवार को, उस परिवार ने उसे चाकुओं से गोद के मार डाला। महाराष्ट्र अमरावती के उमेश कोहली ने बहन की शादी के लिए आर्थिक मदद की थी, उसका गला रेत दिया। यह जो भाईचारा का नारा है उसमें हिंदू बार बार चारा इसलिए बन रहा है क्योंकि वो धर्म को नहीं समझता, अपने ग्रंथ को नहीं समझता, और उसके कारण उसके अंदर का जो शत्रु बोध है वो खत्म हो गया है। आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, अपने धर्म और आचरण की आपको परवाह ही नहीं है, चिंता ही नहीं है, ज्ञान नहीं है, आपके अंदर शत्रु बोध खत्म हो गया है। मैं कई बार कह चुका हूँ, अभी एक बार और कह देता हूँ कि ऐसे हिंदू 20% के करीब हैं जो आज अगर इंडिया अलायंस राहुल गांधी ये बोल दे कि अगर हमारी सत्ता आएगी तो भारत में हम मुसलमानी राज कायम करेंगे, शरिया कानून लाएंगे, तो भी वो हिंदू उसी को वोट देंगे। तो ये जो मानसिक गुलामी है वहाँ हिंदू है, और दूसरे जो हिंदू हैं जो खुद को सेकुलर मानते हैं जो मोदी जी को वोट देते हैं वो भी खतरे के अंदर हैं, और उस बहाने से पूरा राष्ट्र खतरे में है। और 2047 तक जो PFI का था एक डॉक्यूमेंट जो इनकलाब हंगामा हुआ था कि यहाँ इस्लामिक सत्ता लागू होने वाली है, वो मोदी जी बड़े आराम से तसल्ली से धीरे से कर देंगे, पूरा विकसित भारत को का इस्लामीकरण कर देंगे, ये लो ये है तुम्हारा भारत, मैं हूँ गांधी 2 जिसके आदर्शों के आधार पर भारत का बंटवारा हुआ था, मैं सत्ता में हूँ तो मैं तो वही करूँगा ना।
कांग्रेस ने जो जो कानून बनाए थे भारत का इस्लामीकरण करने का, है ना, 1947 में हुआ था ना भारत आजाद, आजाद के ट्रांसफर जो पावर हुई थी हिंदू मुसलमान के नाम पे हुई थी। और ये पहले अंग्रेज शासक खुद को मानते हैं कि स्वतंत्र भारत का, मैं पहला अंग्रेज शासक हूँ, नेहरू खुद को मानते हैं। तो उन्होंने शुरू से ही वो हिंदू मैरिज बिल ले आए, वो कोड बना दिया, हिंदू कोड बनाया, खैर मुसलमानों का कोड नहीं बनाया। लेकिन जरा सोचिए कितने लंबे बाद 1991 में जा करके बनाया प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, पूजा स्थल का कानून, के भैया हिंदू हो तुम गुलामी करो, तुम्हें अपनी आस्था का अधिकार नहीं है, तुम्हारे जो मंदिर हैं जो भी गए गए, अलग से बना दिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। और भैया ये कौन सा संविधानिक देश है ये, जब मुसलमानी सत्ता लागू कर दी तुमने, बकबोर्ड बना दिया 1995 में, सरकार के अंदर सरकार, संविधान के अंदर संविधान, अदालत के अंदर अदालत, भाई उसका बकबोर्ड का अलग अदालत बना दिया, ट्रिब्यूनल बना दिया। और सच्चर कमीशन वो लगा कांग्रेस ने किया था जिसे मोदी ने लागू कर दिया, कह रहे थे कि असंवैधानिक है। तो जो जो कानून कांग्रेस ने बनाए मोदी ने उसे मजबूत किए, उसको ताकत दी और कहते हम हिंदू का चेहरा है। कांग्रेस ने जो जो कानून बनाए उसको मोदी एंड कंपनी ने ताकत दी, मजबूत किया, डिजिटलाइज कर दिया, वक्फ बोर्ड की संपत्ति को दुगुना कर दिया, सच्चर कमीशन जो असंवैधानिक था उसको संवैधानिक करार दिया, लागू कर दिया। ऐसे में योगी जी कभी कभी बुलबुला छोड़ देते हैं, तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त के लायक होता है, कंधे पे हाथ रखने के बाद जी जितना समझाते हैं, जितना उसको कहते हैं कि तू भक्त बन मेरा, उतना तो ठीक है। लेकिन कभी कभी उतना आगे बढ़ जाते हैं, अभी इनकाउंटर कर दिया जावेद का, साजिद उसका भाई है, शायद भागा हुआ है, क्या है, उसको पकड़ो कुछ करो। तो अगर ऐसे करते रहे तो फिर उनकी मुख्यमंत्री का रहना उनका बड़ा मुश्किल हो जाएगा। या फिर अगर मर्द हैं, पुरुष हैं, साधक हैं, योगी हैं, बाबा हैं, हिंदू सनातनी संस्था में रचे हैं, बसे हैं, तो खोल के सामने आए। संदेश खाली यहाँ होता है कि आपके घर में वो आते हैं, कहते हैं कि हिंदुओं के घर में आते हैं कि स्त्री हमारी है, तुम पति हो गए, भाई हो गए, बाहर में जाओ, चलो इसको मेरे यहाँ भेजो, संदेश खाली हो जाता है। और वहाँ भी राष्ट्रपति शासन नहीं लागू करते। 100 नाम अभी मैं गिना दूं जिन्हें इन इस्लामिस्टों ने गले काटे हैं। अभी 2 बच्चों की हत्या की है, निर्मम हत्या की है, एक का इनकाउंटर हुआ है, दूसरे को पकड़ा जाना है। आप सोचिए, समझिए, सतर्क रहिए, संगठित रहिए, अपने धर्म पे बने रहिए, ये आपको मदद करने वाली नहीं है ये सत्ता की व्यवस्था। इसके जड़ में है ना वो गांधी है, है ना, जिसे देश का बंटवारा हुआ, इसके जड़ में अल्लाह ईश्वर तेरो नाम है जिसे कोई मुसलमान नहीं मानता। ये आपको ख़त्म कर देंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, और आप जीने लगने रहेंगे, आप गुलाम रहेंगे। आज ये मंदिर मठ जो है उनके कब्जे में हैं, और वो शरिया लेते हैं, आपसे टैक्स लेते हैं और देते हैं मस्जिदों को। ये जो भारत का जो विकास है जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ आपको दिखाते हैं, इसमें इसके आप गुलाम होंगे, समझिए। चुनाव है, सोचिए, समझिए, अगर जहाँ भी मौका मिलता है, जो हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था लाने वाली पार्टी दिखती है, जो एकम सनातन दल मुझे भी दिखा है। चलिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और ज्वाइन बटन को क्लिक करके सदस्यता लीजिए, मेंबरशिप लीजिए इस चैनल का, और चैनल को मजबूती दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।